यह कहानी चंदनपुर नाम के गांव की है। उस गांव में एक चंगा नाम का आदमी अपने बीवी और बच्चों के साथ रह रहा था। उसके दो बेटे थे, अमन और पवन। स्कूल जाने से पहले तुम्हारी ही वजह से ये दोनों इतने बिगड़ गए हैं। इनकी ट्यूशन का टाइम हो गया है, लेकिन ये इधर ही घूम रहे हैं। फिर उसकी पत्नी ने कहा, तुम गुस्सा क्यों करते हो? अभी टाइम हुआ ही नहीं है, अभी 5 मिनट बचे हैं। स्कूल जाने से पहले उन्हें घने जंगल को पार करना पड़ता है। यार, पापा बिना वजह डांटते हैं। वो पापा लॉकडाउन में हुए घाटे की वजह से डांटते हैं। नुकसान का गुस्सा हम पर घर पे आके उतारते हैं। जंगल के अंदर एक नाग नागिन का शक्तिशाली जोड़ा रहता था और उनका एक सुंदर सा बेटा था। बेटा, तुम किधर घूम रहे थे? ज़्यादा दूर मत घूमा करो, उस तरफ खतरनाक इंसानों का शहर है, वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे दूर ही रहा करो। कई दिन बाद, शाम होने के बाद भी उनका सुंदर बेटा घर वापस नहीं आता है। फिर दोनों उदास होकर चारों ओर खोजने लगते हैं। शाम के समय जब अमन और पवन अपने घर पर जा रहे थे, वो आपस में बातचीत करते हैं। आज तो घर पर खीर पूरी बन रही होगी, जल्दी जल्दी चलो भैया, पूरी खाकर बहुत मज़ा आएगा। उन्होंने एक आवाज़ महसूस की, वह दोनों मिलकर आवाज़ को खोजने लगते हैं। खोजते खोजते वह एक पुराने कुएं के पास पहुंच जाते हैं। वो आवाज़ उस कुएं से ही आ रही थी, क्योंकि उसमें नागिन का बेटा फिसल कर गिर गया था। अमन और पवन उस कुएं के पास जाकर देखते हैं। फिर दोनों कुएं के पास रखी बाल्टी कुएं में डाल देते हैं। सांप बेटा बाल्टी में बैठकर ऊपर आ जाता है। बाहर आने के बाद वह उन दोनों के सामने अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है, आप लोगों की अच्छाई के कारण ही आज मेरी जान बच पाई है। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान होंगे, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। आओ दोस्तों, मैं तुम लोगों को अपने मम्मी पापा से मिलाता हूँ। फिर वह अमन और पवन को अपनी मम्मी पापा के पास लेकर आता है और फिर पूरी बात बताता है कि वह उस कुएं में कैसे गिर गया था। दोनों के साहस और हिम्मत को देखकर वह नाग उनसे कहता है, तुम लोगों को जो भी चाहिए वो मांग सकते हो। फिर वह उन दोनों को एक हीरा दे देता है। फिर अमन और पवन वापस घर की ओर निकल जाते हैं। नाग कहता है, अगर तुम कहीं फंस जाओ तो ये जादुई पंख तुम्हारी सहायता करेंगे। अमन और पवन धीरे धीरे अपने घर पहुंच जाते हैं। चंगा कहता है, कहाँ घूम रहे थे, इतनी देर कैसे लग गई? फिर वे दोनों अपने पापा को वह हीरा दिखाकर पूरी कहानी सुनाते हैं। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें तो उससे उसकी मड़ी छीन लेनी थी, बस एक छोटा सा हीरा ही ले पाए। कल नाग से नागमढ़ी लेने चलेंगे। वह नाग नागिन तुम्हें कहाँ पर मिले थे, बताओ मुझे। ढूंढते ढूंढते वह नाग नागिन के पास पहुँच जाता है। नागमढ़ी मुझे चाहिए, नागमढ़ी मेरे हवाले कर दो। फिर वह हमला करने की सोच ही रहा था, दोनों नाग नागिन अपनी शक्ति से उसे पिंजरे में कैद कर लेते हैं। नाग कहता है, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें एक बार माफ कर देता हूँ। अगर तुमने ऐसी गलती दोबारा करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।